आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। रुकिए सर। विकी, विकी मेरे बेटे, ये क्या हो गया? उस लड़के को तुरंत अरेस्ट कीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज हम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। ओके सर। He is dead, sir. He is no more. अब भेजिए, अपना काम कीजिए। हे भगवान, तूने क्या किया? जाकर पूरे घर को चेक करो, एक एक कमरे को चेक करो, वो बचना नहीं चाहिए। जाओ। जी सर। सर क्या कहा? सर सर हर जगह छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। ए, अपने बेटे को कहाँ छिपा रखा है? तुम्हारा बेटा अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को मारकर भाग गया है। क्या कहा? मेरे बेटे ने खून कर दिया। जानती हो किसका खून किया है? पूर्व मंत्री का बेटा है। नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो देखते ही चील कौवे की तरह गोली मार दूंगा। अगर वो हाथ आ गया ना तो उसकी खैर नहीं, समझ गई ना? चलो यहाँ से। जल्दी बैठो। मंत्री जी अंदर है? जी है। उनसे कहिए क्राइम ब्रांच से स्पेशल ऑफिसर सीके लाल आए। ठीक है। मालिक, एसपी लाल सर जी आए हैं। ठीक है, उन्हें कमरे में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। ठीक है मालिक। ए, तुम सब उसके दोस्त हो ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तुम्हारे साथ। मस्ती करने में तो उसके साथ थे, लेकिन जब वो उसे मार रहा था तो भाग गए। सर वो क्या है कि... ए, वो बंद कर, मैं बकवास नहीं सुनूंगा। अब इसके आगे कुछ बोला ना तो खाल खींच लूंगा, समझ गए? जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं ऐसे ही बैठे रहना। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। बोलिए। आई एम एसपी सी के लाल, क्राइम ब्रांच गुजरात। आपके बेटे के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया हूं। सर बेसिकली हमने सुना है कि आपके बेटे में कई बुरी आदतें थी। अरे भाई, किसान, बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाले, मजदूर, चाय बेचने वाले के बेटे में भी बुरी आदतें होती हैं, तो ये तो एक पूर्व मंत्री का बेटा था। जिद्दी, बिगड़ा हुआ, गुस्से वाला नहीं होगा तो और कौन होगा? इसमें गलती क्या है? तुम यहाँ किस लिए आए हो?
तहकीकात करने के लिए या मेरे बेटे की कमियां ढूंढने के लिए? अभी मेरे पास सत्ता नहीं है तो कुछ भी बोलोगे? आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नाराज तुम कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मुझ जैसे राजनेताओं के साथ बात कैसे की जाती है, समझे? प्लीज रिलैक्स। क्या रिलैक्स? कोई सड़क छाप मेरे बेटे की हत्या करके भाग गया, उसे पकड़ने की जगह तुम यहाँ आकर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? सर, खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकता, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। हाँ यही सही होगा, बेकार में मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, खूनी हमारी गिरफ्त में आने ही वाला है, ये बकवास लेकर यहाँ मत आना। और हाँ, बेकार में अखबारों में अपने लेख छपवाने की गलती तो बिल्कुल मत करना, मुझे डींगे हांकना बिल्कुल पसंद नहीं। ओके सर। आजकल पुलिस वालों का ये काम बन गया है देखने में अच्छे दिखने वाले ऑफिसरों को भेजकर अपने ऊपर फोकस लेने का। हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट अरविंद है। मुझे लगता है सर, अगर वो खून करके लापता हो गया है, इसका मतलब वो शायद पुलिस से डर के भाग रहा है। ये बताइए कि विक्की का कैरेक्टर कैसा था? अगर मैं विक्की के बारे में कहूँ तो कॉलेज का सबसे बदमाश स्टूडेंट था, हमेशा नशे में रहता था, स्टूडेंट को पढ़ने में डिस्टर्ब करता था, हमेशा लड़कियों को छेड़ना, और उसके अलावा भी बहुत बुरी आदतें थी उसमें। विक्की और अरविंद में कोई दुश्मनी थी क्या? इन दोनों के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी थी मुझे नहीं पता सर। अरविंद ये सब नहीं कर सकता है, दरअसल मुझे ये लगता है कि उसने जानबूझकर खून नहीं किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। एक होनहार छात्र ने अपना भविष्य खराब कर लिया, यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विक्की बहुत ही बुरा स्टूडेंट था, तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, आप तो अच्छी तरह से उसका बैकग्राउंड जानते हैं। स्टॉप स्टॉप, ये कहां से आ गया? क्या परेशानी है तुम्हें? पुलिस ऑफिसर आपका वेट कर रहे हैं। घर से तो अच्छे समय पर निकला था, चलो देखते हैं। फॉलो मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक्स सर। आई एम एसपी लाल। हाँ सर बोलिए ना। विक्की के बारे में आपसे कुछ बात करनी। मुझे पता था, इसीलिए मैं अकेला यहाँ आया, जूनियर वकील ऑफिस में ही है। गुड। विक्की के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे तो हमारी हेल्प होगी। कुछ भी कहूंगा तो मुसीबत में फंस जाऊंगा, चलो देखते हैं, कुछ करके संभालता हूँ। उसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता, वो दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल है सर। ये बात है। हाँ सर, उदाहरण के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1G, 2G, 3G, 4G ये सारे केस हम ही देख रहे हैं। क्या कहा? अरे 2G वाला केस हम अभी ही तो जीते हैं, तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? पढ़ा करो। नहीं पढ़ते फिर अजीब से सवाल करते हो। अभी देखना तुम अच्छी तरह फंसने वाला है। कोयला खदान का केस, बाकी घोटालों के केस, ये सब भी हम ही देख रहे हैं। हाँ आप कुछ भी कीजिए सर, आप सत्ता में नहीं है तो क्या हो गया, मैं सब देख लूंगा सर। मैं सबसे अलग हूँ। अरे बाप रे, बाप से बचा तो बेटे के सामने आके फंस गया। कैसे हो बेटा, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अंकल, अगर आप दो लोगों को सत्ताधारी पार्टी में भेज देंगे ना तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा, हमारी पार्टी के अपने सिद्धांत है, पार्टी में आपके पिता की इज्जत है, ये सब जानते हुए भी अचानक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए कह रहे हो, ऐसा करने से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बेटा? ये MP MLA का दल बदलना बहुत ही स्वाभाविक हो गया है अंकल, है ना? इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये पता नहीं। क्या सोच रहे हैं अंकल आप, ऐसे दल बदलने वाले नेताओं को पार्टी से निकालना ठीक नहीं है, फांसी पे लटका देते हैं सीधा। ए विक्की, क्या कर रहे हो?
मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, यहाँ आओ ना डार्लिंग। चलो मैं बच गया। बेटा बेबी तुम्हें बुला रही है। ए, रुक जाना जरा। अंकल हाँ, ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? क्या कहा? ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव। बड़ी अकलमंदी का सवाल कर रहा है ये तो। मतलब होता है कि कानून का राज, हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है, यहाँ ऐसा होता है क्या? इसमें शक की कौन सी बात है? अंकल हाँ? शराब भी तो बेची जाती है ना? वो तो सरकार की नीति है बेटा। उसके बाद शराब बेचने वाले को पकड़ा, वो लघु उद्योग बन गया था। अब तो हर चौराहे पे शराब की दुकान है और सबको आसानी से मिल रही है। तभी तो विपक्ष सवाल करेगा मेरे बेटे। फिर आप पुलिस वालों से पकड़ाते हैं हा? सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ गई है, इसलिए कानून को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चलाना पड़ता है बेटा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों से मेरी समझ में नहीं आया, जब मेरी समझ में आ जाएगा मैं तुम्हें समझा दूंगा। वो तुम्हें बुला रही है, जाओ ना। जाओ जाओ ये भी ना। अरे बाप रे, बच गया आज तो इस लड़की की वजह से। भगवान तुझे हमेशा नशे में रखे, लड़की इसी के नशे की वजह से बच गया। आपने जो कहा वो सही है क्या? हाँ सर, वो ऐसा ही था सर। आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सर मुझे और भी काम है, आपको अगर कुछ और पूछना हो तो। नथिंग थैंक्स। सर सर सर, हमारी इस मुलाकात के बारे में मंत्री जी को ना पता चले तो अच्छा होगा। नहीं तो खामखा मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी सर। ठीक है सर, बच गया। हम आ गए सर। हाँ देख रहा हूँ, वो आदमी मुझसे सवाल पूछ रहा है और मुझे तुमसे सवाल करने पड़ रहे हैं। चलो मिलकर काम करते हैं। जहाँ तक अरविंद का सवाल है, वो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि सभी क्षेत्र में बहुत आगे है, इंक्लूडिंग सोशल सर्विस। विक्की के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो स्टूडेंट के नाम पे कलंक है। उसके कारण मुझे कई परेशानियां झेलनी पड़ी। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। अरविंद उसके बारे में अच्छी तरह जानता था, फिर भी अगर वो उससे लड़ रहा है तो सच में शायद उसका बुरा समय ही चल रहा होगा सर। अरविंद बहुत अच्छा लड़का है, ये बात हम कहीं भी कभी भी कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने अच्छे लड़के से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं कहना चाहता हूँ लेकिन ठीक है, थैंक यू ऑल, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप कुछ बताने वाले थे ना, बताइए। सर पहले मैं अपने दोनों कानों से सुन सकता था। हाँ। लेकिन अब सिर्फ एक ही कान से सुन सकता हूँ। हाँ? और उसका कारण है वो बदमाश विक्की। मैंने तो अब तक तुझको देखा नहीं, तूने भी तो मुझको देखा नहीं। तुम्हें मजा देखना है, बस देखते जाओ। क्या गा रहा है? हिंदी अंग्रेजी का गाना गाना? मैं गा के सुनाऊं तुम्हें, तब बताना कौन अच्छा गाता है, समझे ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई विल लव यू। देखो बेटे, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ए मोटे, भगवान तेरा रिश्तेदार है क्या जो तेरे बुलाने पे आ जाएगा? हमेशा भगवान भगवान के नाम पे तुम लोग डराते क्यों रहते हो? ए इसे पकड़ दे। क्या करने वाले हो तुम? उसके कारण मेरा एक कान खराब हो गया, इसीलिए भगवान उसे सजा दे रहा है। सर उस पापी का तो नाश होना ही था। बेवकूफ। सर मेरे कान की बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे तो अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। छे। क्यों डॉक्टर, ये आकस्मिक मौत है ना? नो नो, ये प्री प्लान मर्डर है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? यस सर, खूनी ने ना सिर्फ नोकीले हथियार से वार किया है बल्कि बहुत बेरहमे से उसका गला भी घोटा है। बाकी सारे डिटेल्स इस फाइल में है, लीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच। वेलकम। क्या कर रहे हो तुम सब? एक मामूली से लड़के को तुम लोग इतने दिनों में नहीं पकड़ पाए? सर जल्दी हम उसे हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे, बस यही कहते रहो।
अगर ये काम तुमसे नहीं हो रहा है तो साफ साफ जवाब दे दो, मैं अपने तरीके से निपटता हूँ। सर आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उस लड़के को पकड़कर आपके हवाले करना मेरा काम है। कान खोलकर सुन लो, जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे अपने हाथों से सजा दे के रहूंगा। ए मालिक, जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। जी मालिक। उस तरफ जा और उस तरफ जा। लड़का कौन है? पता नहीं सर कौन है, पहाड़ से नीचे गिर गया था, देखते हमने आपको बता दिया। जैसे ही होश आ जाए मुझे खबर करना। ठीक है साहब, पानी छिड़को इस पर। चलो चलो। तई तई तिति तई 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 तिति तई 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 तिति। हाँ ऐसे होश आ गया, चलो चलो लेके चलो चलो। विक्की की हरकतों से परेशान होकर मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैंने ये कॉलेज क्यों ज्वाइन किया। एक दिन विक्की कॉलेज में। दादी माँ, आज मेरा जन्मदिन है, अगर मैं गांव में होता तो अपनी दादी जी से आशीर्वाद लेता, लेकिन मैं यहाँ हूँ इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए चला आया। ये मिठाई और पान लेकर मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी माँ। भगवान तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, तुम अच्छी तरह पढ़ो और तुम्हारी उम्र 100 साल हो। मेरी अच्छी दादी। सर सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। hey, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तुम। मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा ना? अगली बार का हीरो तू ही होगा, अब जा। कैसे लुढ़क रही है।
देखा उसको? नशे में झूम रही है बुढ़िया। कमाल है, आ गया। ओए प्रोफेसर, क्या बात है? कूड़ेदान किस लिए रखा है? कूड़ा डालने के लिए? तू बाहर क्यों डाल रहा है? उठा के अंदर डाल। कैसा मास्टर है, इसके पास बच्चे पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? किस्मत फूट गई है। चल चल जा यहाँ से। भाई दादी तो एकदम फॉर्म में है। वो देख दादी किस तरह से झूम रही है। है बुढ़िया। कौन है बे? इतना मस्ती में क्यों घूम रही है बुढ़िया? दो दिन से मेरा कमरा साफ नहीं किया तूने? क्यों नहीं किया? तू बेकारी तो घूम रहा है, अपना कमरा खुद साफ कर। फिर तुझे क्यों रखा है? वॉचमैन, तुम्हें कैंटीन में बुलाया है। ठीक है, आ रहा हूँ, चलो। जा जा, मुफ्त का खाने जा रहा है। फिनाइल की बोतल लेकर आना। क्या कहा? फिनाइल की बोतल? वो भी तेरे लिए लेकर आऊंगा मैं। अगर तू नहीं ला सकता तो प्रिंसिपल भी बेकार बैठा है, उसे बोलना लाने के लिए। ए बुढ़िया, आजकल तेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है। रुक, तुझे बाद में देखता हूँ मैं। चल जाना। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। अरे अरे बाप रे। तुम्हें क्या हो गया पूर्णा? सबके साथ तुम बदतमीजी से पेश क्यों आ रही हो? सर जी, इस लड़के ने मुझे जन्मदिन की मिठाई दी थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे आगे कुछ भी याद नहीं है। इस कॉलेज के बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी किसी ने कुछ दिया और उसे खाकर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता, कौन जिम्मेदार होता? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना। अब तुम लोग जाओ, मैं इस लड़के से पूछता हूं। तुमने क्या दिया था? सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, इनियर लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तू कॉलेज के प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो उन्होंने कहा कि ये चॉकलेट ले जाके उस बुढ़िया को दो और उनसे कहो कि तुम्हारा जन्मदिन है, अगर तू एक्टिंग करने में असफल हो गया तो तुझे प्रोग्राम में हिस्सा मिलेगा। मैं उनकी बातों में आ गया सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? अपने कॉलेज के सीनियर विक्की ने सर। ठीक है, अरविंद का इस कॉलेज में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वो जो लड़की आ रही है वही उसकी लवर है सर। क्या नाम है उस लड़की का? गीता सर। आपने ठीक कहा सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। अरविंद तो किसी भी बात पर इमोशनल नहीं होता था, अगर फिर भी उसने ये खून किया है तो ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। उन दोनों के बीच में कहीं कोई जाति दुश्मनी थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी सर, एक दिन कॉलेज में। क्यों यार, ये अपना ही कॉलेज है ना? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मुझे तो लग रहा है किसी गलत जगह पे आ गए हम। क्या यार, हम लोग कोई नेता थोड़ी है जो गलत जगह पर आ जाएंगे। बहुत दिन बाद आए इसलिए भूल गए यार। भाई मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है, कितने भी नशे में हो फिर भी तुम सही बात करते हो, बिल्कुल गलत नहीं बोलते हो। क्यों मक्खन लगा रहा है, क्यों चने के झाड़ में चढ़ा रहा है उसे तू? सुनो, हम सब कौन है? विक्की के गुलाम है।
वो जैसा कहता है वैसा हमें करना पड़ता है। सही बोला ना विकी? ये सब क्या बोल रहा है तू? हाँ क्या बात है, हम सब एक साथ पीते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं, तो फिर ये तू क्या गुलाम गुलाम बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? तू भी ना। So, poor darling, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसा क्या? ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। hey! तो क्यों ना पार्टी करते हैं? ये अच्छा आइडिया है। hey! और सुनो ना, अब तू मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। hey, जोकर, मैं सबसे अलग हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि तू उससे प्यार करे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। जो मुझे नहीं पसंद है वो किसी को भी पसंद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पसंद आती है तो वो मुझे नहीं पसंद है। आज मैंने ये तय कर लिया है, तू मेरा दुश्मन है। दुश्मनी के लिए तैयार हो जाओ। विकी, मैं स्टूडेंट्स के लिए तो कर रहा हूँ ना। तू जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऊपर से तू कारण पूछ रहा है। मेरी बात समझो विकी। ओए, मेरी बात मान ले वही अच्छा है। मुझसे उल्टा सवाल करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, समझा? तू आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप पर हमारे बारे में डालकर हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं यार। जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे, इतना समझ लो। सुनो, किसी बात को हम किस नजरिए से देखते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर अच्छे नजरिए से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और गलत नजरिए से देखेंगे तो गलत ही दिखेगा। तुमने सही कहा, हर बात के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। असल में सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो युवा लोग हैं वो शराब की दुकान पे जाके सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर वो ठीक से काम करेंगे तो सबको सुधार सकते हैं। तब तक तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी यार। कॉलेज चेयरमैन की इज्जत होनी चाहिए, वो छोड़कर तुमसे सवाल पूछते हैं। ये सब देखकर भी तुम चुप क्यों हो यार? कारण मेरी समझ में नहीं आता। हम में से किसी ने कभी अपनी गलती मानी है? हमेशा दूसरे पर इल्जाम लगा के बच जाते हैं। अभी तो नामांकन किया है, अगर एक्शन देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। हम अच्छे हैं या बुरे इसका फैसला हम कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा है इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी। वेरी गुड डार्लिंग, एक बार फिर से बोलना। अरे बोलो ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलो ना एक बार फिर से। हाँ? तुम लोग यहाँ चुपचाप आओ, खाओ, बैठो, बातें करो, उसके बाद यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बेकार की बातें करनी है ना। आदत से नहीं बात आओगे तुम लोग अपनी, शर्म नहीं आती तुझे? गधा कहीं का। कौन सी जगह है ये? कॉलेज। ये कौन सी जगह है? कैंटीन। कैंटीन, यहाँ किस लिए आते हैं बताना? किस लिए आते हैं? खाने के लिए। खाना खाओ और चुपचाप यहाँ से चला जा। यहाँ आके बैठ के फालतू की बातें करने के लिए कैंटीन नहीं है, समझा ना? दोबारा नहीं समझाऊंगा। हेलो, सोच समझ के बात करो। प्लीज। मेरी बात सुनो सिर्फ। मैं जो कह रहा हूँ ना, जगह देख कर बात करनी चाहिए। इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? हाँ, मेरी बात समझ भी नहीं आई क्या? प्यार से समझाऊं? बोलो तो समझा दूं। चलो समझा ही देता हूँ। तुम लोग रोज सुबह उठते हो, अच्छे से नहाने के बाद पेट भर के नाश्ता करते हो, फिर गाड़ी में बैठकर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हो, और फिर वापस चले जाते हो। सही कह रहा हूँ ना देवी जी? और यही काम फिर दूसरे दिन करते हो, सही कह रहा हूँ ना? रोज का यही काम है, रोज का यही काम है। ये तो तुम लोग का डेली का रूटीन है। सुनो, ये कुछ कहना चाहता है। वैसे इस तरह की जिंदगी में क्या मजा आता है आप लोगों को? हाँ, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? दुनिया में सभी बेरोजगार हो गए हैं और आगे भी बहुत सारे होंगे, इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो। तुम लोग मेरे साथ एक दिन नहीं, एक घंटा बिताओ, फिर मैं दिखाता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। सच कह रहा हूँ मैं, एक दिन नहीं सिर्फ एक घंटा, स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। चलना हो तो बताओ, बताओ ना, चलोगी? सॉरी विकी, तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। सब लोग बैठ जाइए, मैंने ये
आपातकालीन मीटिंग इसलिए बुलाई है कि क्योंकि विकी ने चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। मैं इसका कारण नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। हमारे इस कॉलेज के भलाई के लिए और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सबको एकजुट होकर हमारे इस कॉलेज के लिए जल्द से जल्द नया चेयरमैन चुनना होगा। और वो चेयरमैन कौन होगा ये आप लोग डिसाइड करके नोटिस बोर्ड पर अपडेट कीजिए। इस कॉलेज के सभी छात्रों और देश के उज्जवल भविष्य को बनाने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय मैं आप लोगों से अपने मन की बात करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ और कॉलेज स्टाफ भी खुश है। आप सबके निर्णय के कारण ही हमारे कॉलेज के चेयरमैन विक्की के इस्तीफे के कारण अगला चेयरमैन इतिहास विभाग के अरविंद को चुना जाता है जो हमारे नए चेयरमैन होंगे। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कॉलेज की उन्नति में यहाँ के छात्रों का बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर सामूहिक कार्यक्रम। सबने बड़ी उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप सबकी तरह मैं भी अपने नए चेयरमैन को हार्दिक बधाई देता हूँ। कॉलेज के सभी छात्रों से विनती करूंगा कि उन्हें आप अपना पूरा सहयोग दें जिससे वो इस कॉलेज को और आगे ले जा सके। हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। बस इतना ही कह के मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। चाचा, ये बाढ़ से पीड़ित हुए लोगों के लिए जमा किया हुआ चंदा है। कल हिसाब करके प्रिंसिपल को सौंपने तक अपने पास ही रखिए। ठीक है बेटा, तुम यहाँ लाकर रख दो, मैं देख लूंगा। और ये मेरी तरफ से भी इसमें जमा कर देना बेटा, जितना हो सका उतना दे रहा हूँ बेटा। शुक्रिया चाचा। संभाल कर रखना होशियारी से। हाँ हाँ, आराम से लाओ, इधर दो, इधर। फ्रेंड्स, सब अंदर ले जाकर एक कोने में रख दो। ठीक है। Come on, fast. क्यों भाई जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, घर पे कुछ काम था इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जाना है तो जाइए, हमें चाबी दे दीजिए। बेटा वो क्या, ये वो चाबी दे। अंदर का सारा सामान उठा के गाड़ी में डालो, जाओ जाओ। बेटा ये सामान तूफान के लिए है बेटा। बेटा भगवान के लिए ऐसा मत करो बेटा, मेरी बात सुनो, ये गलत है। ए भाई, चुपचाप जाओ यहाँ से। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, सुनो, ऐसा मत करो बेटा, सुनो बेटा। hey, जितना भी सामान है सब उठा के गाड़ी में डालो। बहुत हीरो बन रहे हैं ना, पीड़ितों को सामान पहुंचाएंगे। सब गाड़ी में रखो। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, खुदा के लिए सामान को मत ले जाओ। ये भूखे बेसहारे गरीबों के लिए तिनका तिनका करके जोड़ा है बेटा, ये सब सामान उन लोगों के लिए है। अगर ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। ए भाई, मैं जो करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। जबान चलाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना? बेटा मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, फिर भी तुम्हारे सामने विनती कर रहा हूँ। इतनी देर से बोल रहा हूँ, चुप हो जा, समझ नहीं आता है क्या? या अल्लाह। ये रहीम भाई, बद्दुआ देगा तो चलेगा, देखता हूँ मैं भी। तुम मुझसे बड़ा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, चाचा यहाँ से, नहीं तो जान से मार देता तुझे बुढ़ा कहीं का। चाचा से जल्दी करो। Thank you.
हेलो, हमने जो भी सामान जुटाया था वो विक्की मारपीट करके ले गया। अरविंद विक्की से मिलने गुस्से में हॉस्टल की तरफ गया है। तुम फौरन जाकर उससे मिलो गीता। इतनी मुश्किल से जमा किया हुआ सामान उसने सड़क पर जला दिया, इसी बात का गुस्सा था और कुछ भी नहीं। सर, अभी वो कहां पर है? उसने तुमसे कॉन्टेक्ट किया क्या? डरो मत, साफ साफ बताओ। उसकी भलाई के लिए ही पूछ रहा हूँ। कसम से सर, उसने मुझे फोन नहीं किया। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये मेरा फोन नंबर है, इसे नोट कर लो। बोलिए सर। 999-44-55-666। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे खबर कर देना। ठीक है सर। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अरविंद है सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। हेलो, कहाँ, कौन? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा माँ, बाय। अरे यार, सच कहूँ तो मुझे आने में बहुत डर लग रहा है, कहीं दो चार थप्पड़ लगा दिए तो। हाँ ना यार, कुछ गड़बड़ हो गई तो मुसीबत आ जाएगी फालतू में। डर लग रहा है तुझे? डर लग रहा है तो मेरे साथ मत रह, समझा? जिसे जिसे डर लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है। जाओ यहाँ से, जाओ। ओए, तू आ गया ना? आजा, 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 आजा। तेरी। तेरी बताता हूँ तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं विक्की, मैं अभी क्या बात करूं इससे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उनसे बचने के चक्कर में मैं पहाड़ से सीधा नीचे गिर गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं सर। ठीक है, ये सब हम देख लेंगे, तुम संभल कर अपने घर जाओ। अरे मनी। सर, आया सर। बोलिए सर। इसे हिफाजत के साथ जंगल के बाहर जाकर छोड़ दो। सर, कोई बात नहीं है, अगर आप रास्ता बता देंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए कम से कम 60 किलोमीटर चलना होगा, कैसे जाओगे? 60 किलोमीटर चलना होगा? हेलो गीता, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो अरविंद? कट करो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हेलो सर, एलेक्स बोल रहा हूँ। हाँ सर, 8056-73980 इस नंबर से गीता को एक कॉल आई है सर। ये बात है? कौन सा एरिया? सत्यमंगलम के जंगल से सर। ठीक है, होशियारी से नंबर को फॉलो कीजिए। ओके सर।
हेलो गीता, मैं सत्यमंगल जंगल से बात कर रहा हूँ। मैंने माँ को फोन लगाया, रिंग तो हो रही है पर वो उठा नहीं रही है। शायद वो कहीं बाहर गई होगी मुझे लगता है। तुम एक काम करो, तुम फौरन घर जाओ और माँ से कहना कि मैंने उसे फोन किया था, और फिर तुम भी वहीं मेरा वेट करना। रात को कितनी भी देर हो मैं जरूर आऊंगा वहां। बाकी की बात मैं आकर बताऊंगा। आकर क्या बताओगे तुम? तुमने खून किया है, ये पता चलते ही माँ की तबीयत बिगड़ गई है। क्या कह रही हो गीता? मैंने किसका खून किया? तुम्हें नहीं पता, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? और दूसरी तरफ विकी के पिताजी बहुत टेंशन में हैं। ऐसे में तुम घर आने की बात कर रहे हो? तुम क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा गीता। मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया तो फिर विकी को किसने मारा? क्या कहा, विकी का खून हो गया? अच्छा अच्छा, ऐसी हालत में इतनी देर बात करना ठीक नहीं। एक काम करो, तुम शहर के बाहर अनीता जी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ आओ, बाकी बातें हम वहीं करेंगे। ए, डॉक्टर को फोन लगाओ। ये लीजिए, रिंग जा रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर, अब उसकी हालत कैसी है? अभी भी उसको होश नहीं आया है। आज ही उसका काम तमाम कर दो। सर, कल अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा आ गया तो? मुझसे बेकार की बात मत करो, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम बस वो करो, समझ गए? अरे सुनना, तू जरा इंतजार कर, मैं चाय पी के आता हूँ। भाई जरा एक चाय देना। ऑटो में एक लड़की चढ़ी थी, वो कहाँ उतरी? आप लोग कौन है सर? पुलिस। वो तो कोने पे उतर गई थी। क्या तुम भी मुझे खूनी समझती हो गीता? हालात ऐसे थे कि मुझे लगा खून तुमने किया होगा। मुझे माफ कर दो अरविंद, लेकिन ये खून किया किसने होगा? पता नहीं गीता, उसका जैसे ही मुझे फोन आया मैं वहाँ गुस्से में चला गया। हम दोनों के बीच लड़ाई हुई ये सच है, लेकिन वो काफी नशे में था, इसलिए मैंने सोचा कि नशे में चूर आदमी से क्या बात करना करके मैं वहां से निकल गया। बाहर से दरवाजा बंद करके मैं नीचे आ गया। उसके बाद बिजली चली गई, फिर अचानक चार लोगों ने मुझ पर जाल डाल दिया, कार की डिक्की में बंद करके मुझे जंगल की ओर ले गए। उसके बाद उनसे किसी तरह बचकर मैंने तुम्हें फोन किया, और तुम कह रही हो मैंने किसी का खून किया है। अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल माँ से मिलना चाहता हूँ। अभी मत जाना, क्योंकि तुम अगर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आओगे तो अगर पुलिस को पता चला वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इतना ही नहीं, विक्की के पिता के गुंडे तुम्हें पुलिस से पहले पकड़ना चाहते हैं, इसलिए कह रही हूँ तुम वहाँ मत आना, तुम्हारी जान खतरे में है, अभी तुम्हें छुपना होगा, वहाँ आना ठीक नहीं है। तो फिर मैं अपनी माँ से मिलूंगा कैसे गीता? मेरे एक रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में है, मैं उन्हें ये सारी बात बता देती हूँ, उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकते हो।
आओ गीता, कैसी हो? फाइन। बैठो ना। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? हमारे कॉलेज की एक प्रॉब्लम है जिसमें बेचारा अरविंद फंस गया है, उसी बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। कौन अरविंद? वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड या? हम दोनों प्यार करते हैं, अरविंद बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या है। अरविंद को मैंने ही बताया कि विक्की मर चुका है और पुलिस अरविंद को खूनी समझ के हर जगह ढूंढ रही है। पूर्व मंत्री कमल भी अरविंद को अपने बेटे का खूनी मानकर ढूंढ रहे हैं। पुलिस या फिर मंत्री के हाथ अगर अरविंद आ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इंदु, उसे कैसे बचाओ यही सोच रही हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। इस समय अरविंद कहाँ पर है? मेरे फ्रेंड के घर पे है, किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले उसे कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहो, बाकी मैं देख लूंगी। थैंक यू इंदु। लो पियो ना गीता। हेलो, डोंट वरी गीता, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू इंदु। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, मैं चलती हूँ इंदु। हाँ बस एक बार मेरे हाथ लगने दो, फिर देखो उसका क्या हाल करता हूँ मैं। आ गए सुरक्षा अधिकारी, आप देखना इनका नाटक। मैं इतने टेंशन में हूँ, एक बार बस हाथ में लग जाए तब देख। सुनो, ऐसा वैसा कुछ मत कर देना उसके साथ, सही सलामत मालिक को सौंपना है। तुम्हारे मालिक जो करना चाहते हैं ना, वही हम भी उसके साथ करने वाले हैं। तुम्हारे मालिक जो करेंगे वो खून होगा, हम जो करेंगे इनकाउंटर, समझे? ऐसी कोई भी बेवकूफी की ना तो तुम दोनों की मौत मालिक के हाथ ही होगी। मुझे इसमें नहीं पड़ना, हाथ आएगा तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब समझे तुम? समझाया तुम्हें, तुम वही गलती क्यों कर रहे हो अरविंद? तुमने खून किया ये सुनते ही माँ की ये हालत हो गई, और अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया ना, तब तो फिर भगवान ही जाने क्या होगा। ऐसा मत कहो गीता, अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। समझो ना अरविंद, तुम माँ से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही मुझे तुमसे प्यार है। प्लीज अरविंद, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों की खातिरदारी देखकर लग रहा है कि खाना थाली में डालोगी और कोई मुसीबत सर पे डालोगी।
जब से आपका बेटा गया है तब से आप बहुत ही टेंशन में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम कर आ जाए। जाएंगे जाएंगे ना, शमशान जाएंगे। मालिक एक खबर है, डॉक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया। अब वो कहीं भी हो माँ की चिता को आग देने के लिए आएगा ही आएगा। पुलिस वालों के हाथ लगने से पहले उसे उठा लो, जाओ। ठीक है मलिक। ए, मुखाग्नि देने के लिए मशाल लेकर आओ। सब लोग तैयार रहना, माँ को जैसे अग्नि देगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे, वो गुंडों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ओके ओके सर। ओके सर। इसे अपनी माँ समझ कर अग्नि दे दे। तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद सर। कितनी पढ़ाई की है? बीए हिस्ट्री सर। कौन से कॉलेज से? ज्ञानपीठ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सर। ये खून तुमने किया है? कसम से सर, मैंने नहीं किया। इस खून के संबंध में पूछताछ करने के लिए ये अदालत अरविंद को 15 दिनों के लिए पुलिस के हिरासत में भेजती है। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब ये कौन आ गया? ये टकला लगातार मुझे ही क्यों घूर रहा है? यस प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। विकी एक साधारण लड़का नहीं है योर ऑनर, एक पूर्व मंत्री का बेटा था ये। इनकी राजनीतिक पहुंच और पैसों की ताकत से मुजरिम करार दिया गया, लेकिन अरविंद एक साधारण से परिवार का लड़का है। इतना ही नहीं, अब इस दुनिया में इसका कोई एक भी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए ऐसे हालत में पुलिस हिरासत में उसे पूछताछ करते समय कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसी ने ये खून किया है। इसका कोई ठोस सबूत ना होने के कारण और साथ ही बस हालातों को ध्यान में रखकर पुलिस ने अरविंद को अरेस्ट किया। योर ऑनर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि अरविंद ने ही खून किया है, तब तक अरविंद की जान की हिफाजत करना इस कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसलिए एक छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को याद रखते हुए इस केस को CBCID को सौंपा जाए योर ऑनर। अगर किसी बेकसूर को सजा मिली तो इस जनता का विश्वास इस कानून पर से उठ जाएगा योर ऑनर। इसीलिए जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता आप कोई भी फैसला मत लीजिए। आपसे ये विनती है मेरी, दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, ये अभी भी मुझे ही घूर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि मरहूम के पिता समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राजनीति में भी पकड़ रखते हैं,
इसलिए इस केस को सही और निष्पक्ष रूप से जांच हो सके इसके लिए भारतीय कानून की दफा 14 के तहत कानून के सामने सब बराबर हैं ये बात रखते हुए और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए ये कोर्ट इस केस को CBID को जांच करने का आदेश देती है ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच हो सके और समाज के सामने एक मिसाल पेश हो सके। चलिए घर चल के कॉफी पीते हैं। इसे कैसे संभालूंगा, ये तो मार ही डालेगा। सर बस थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो ये केस का फैसला हमारे पक्ष में होगा। वकालत करता है, चल जा, फिर दिखना भी मत। बहुत गुस्से में है, पेमेंट तो नहीं काट देगा। जब वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों में पहले से ही मनमुटाव था। एक साधारण सा लड़का प्लान करके कभी भी खून नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आजकल खूनी को हम साधारण लड़का या अकलमंद इंसान तो नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण नाम के प्रोफेसर ही विक्की से सबसे ज्यादा परेशान थे, इसलिए मुझे लगता है हमें जांच की शुरुआत उनसे ही करनी चाहिए। केमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टेला को भी हमें जांच के दायरे में लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और साथ ही उस कॉलेज के कैंटीन के मालिक रहीम भाई और विकी के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन सब की शुरुआत उस गीता नाम की लड़की से हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि उस लड़की को अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन के चेहरों को अपने चेहरे पे फोर मेकिंग करके अपने सहेलियों को व्हाट्सएप करने की आदत है। देखा जाए तो उस लड़की के अंदर एक बहुत ही मतलब एक वायलेंस मेंटेलिटी है। सर मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई बहुत बड़ी घटना रही है, क्योंकि इस केस की जांच एक ईमानदार ऑफिसर ने की है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो उन्हें जरूर पता चल गया होता। सर अरविंद को शक के घेरे में रखकर जांच की जा रही है, इसलिए हमें शक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। इस केस की जांच को हमारे डिपार्टमेंट की इंदु जी को सौंप रहा हूं मैं, इसलिए इन्हें कोऑपरेट करिए और जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है आप लोगों पर। ओके
ये देखो, विक्की ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है। क्या वीडियो है यार? हाँ यार, वाह यार, मजा आ गया देख के। क्या यार, बहुत दिनों से आंखें तरस रही थी ऐसा कुछ देखने के लिए। सही कह रहा यार, मजा आ गया। ये सब क्या है यार? ऐसी लड़कियां नेट पर फेमस हो गई है भाई, ये कौन सी बड़ी बात है यार। बस फर्क इतना है कि इसे देख तो रहे हैं लेकिन जानते नहीं है। छोड़ो यार, मुझे लगता है ये चेहरा बदल के किया गया। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कैमरा फिक्स किया गया था। ए छी, ऐसा नहीं है। बेचारी गीता, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये वीडियो उसकी नहीं हो सकती है, जरूर किसी ने प्लान करके किया है। हमें इससे क्या लेना देना? ऐसी बात मत करो, तुम देखना भगवान माफ नहीं करेगा। जो भी हो गीता, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गुस्से की वजह से क्या हुआ देखा ना, उसने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें बेइज्जत किया। हमेशा गंदगी से हमें दूर रहना चाहिए गीता, अगर उसमें हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ गंदे होंगे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अरविंद जी, करता हूँ कि टुकड़े टुकड़े कर दूँ। गुस्सा मत हो गीता, उसकी सोच ही गंदी है, सोचकर छोड़ दो उसे तुम। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मेरी बात सुनो गीता प्लीज। हे भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो माँ, जय माँ जगदम्बा। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, कृपा करना। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। क्या बात है माँ, पंडित जी आए थे? क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, 3 महीने में तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, इसलिए सोचा तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूं। इसीलिए पंडित जी को बुलाया था। उन्होंने बताया कि इस महीने की 14 तारीख अच्छी है, मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। मेरी शादी की तारीख आपने किससे पूछ के तय की? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये क्या बक रही हो? माँ, मैं अरविंद से शादी करूँगी। हाँ, तू अच्छी तरह जानती है तेरे लिए महेश और महेश के लिए तू है, इस बात का फैसला हो चुका है। अब ये क्या बकवास कर रही है बता मुझे? कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। महेश को दोगी? बहुत अच्छी बात है, मैं अभी के अभी कागजात पर साइन कर देती हूँ। अच्छा, तुम्हारा यही फैसला है? यही फैसला है, तुमसे बात करने से अच्छा मैं खुद महेश से बात करूँ। सुन, मैं सब कुछ महेश के नाम कर दूंगी, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? महेश, आपने माँ की बातों को सुना? हाँ सुना। फिर आप माँ को ये क्यों नहीं समझाते कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए? तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ गीता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सही है। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ गीता, तुम छोटी लड़की हो, तुम्हें लाइफ के बारे में नहीं पता। अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी तो तुम्हें खुद लगेगा कि ये गलत है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम जानते हैं। तुम पढ़ना चाहती थी, हमने पढ़ाया, वो सब ठीक था। अब ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अपने मन को बहकने मत दो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उस लड़के के लिए भी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हेलो,
गुड मॉर्निंग इंदु। गुड मॉर्निंग, बोलिए। इंदु, विक्की के खूनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आर यू श्योर? यस इंदु। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। विक्की का खून किस लिए किया? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? वो एक नंबर का शराबी था। सुबह सुबह होटल में शराब पी के गुंडागर्दी करके हम सबको परेशान करता था, टॉर्चर करता था। सर, एक दिन की बात है कि अरे अरे मैं वॉचमैन हूँ। बैठिए वॉचमैन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैठिए आराम से। बैठो। ठीक है, इनके लिए कुछ मंगाओ। आप मंत्री जी के बेटे और मैं यहाँ वॉचमैन। अरे वो सब छोड़ना यार, ये मेरा है, ये तुम्हारा। ठीक है ठीक है, पी लो पी लो पी लो। हाँ भाई लेता हूँ, आप एक सिप ले लेता हूँ। चलो एक सिप में मैं भी पी लेता हूँ वॉचमैन। मैं अपने गांव में होने वाले बैल की दौड़ के बारे में बताऊं या कुश्ती के खेल के बारे में बताऊं, हाँ, या फिर मैं अपने देश के वीरों के बारे में बताऊं तुम्हें, या हमारे देश के गद्दारों के बारे में बताऊं, हाँ, अब बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? हाँ, आपका ये टैलेंट तो हमें आज ही पता चला, इसलिए आज के बाद से आप हमारे फ्रेंड हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे इतने बड़े सिर में इतना बड़ा दिमाग है। मुझे एक पैक और मेरे दोस्त रमेश ने कह दिया ना, इसलिए आज से तू हमारा दोस्त हो गया वॉचमैन। कैसी है वॉचमैन? बहुत कड़वी है। वॉचमैन, एक बार इस चखने के साथ पियो वॉचमैन, नशा चढ़ जाएगा तुम्हें। टेरर का मतलब वीरता। वो तो बचपन से ही मेरे खून में है। आप कब से बिना पानी मिलाए पी रहे हैं? वो क्या है ना, जब मेरे गांव में लड़की पैदा होती है ना, तो उसे जान से मार देते हैं, और जब लड़का पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसके मुंह में ड्रॉप 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 करके शराब डालते हैं। उस दिन से शुरू हुआ और अभी तक धीरे 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 चल रहा है। बचपन से अभी तक मैं पीते ही आ रहा हूँ। तुम क्या खुद को फिल्म का हीरो समझते हो गया वॉचमैन? एक बात बताऊं तुम्हें, हीरो को मूछें होती हैं, तुम्हारी तो मूछें नहीं है। अरे छोड़ो, एक गाना तो गाओ, फिर देखो कैसे नाचता हूँ मैं। वॉचमैन गाओ। वॉचमैन, मैं गाना गाऊंगा, नाचूंगा, ठीक है ना? चलो नाचूंगा। चलो चलो, बढ़िया बाबा, गाना गाओ। ठीक है, मजा आया रे, आज हमारे दोस्ती पे। ठीक है, मजा आया रे, आज वॉचमैन से दोस्ती हुई हमारी। ठीक है, मजा आया रे, अरे नया दोस्त है अपना, जिंदगी भर रहेगी दोस्ती हमारी। हमने सही कहा बहुत। आइए प्रिंसिपल साहब। सर देखिए सर, ये शराब पी के हमें तंग कर रहा है सर, ये हमारे साथ रोज ऐसा करता है सर, आप तो जानते हैं हम कितने अच्छे लड़के हैं। तो मैं 2 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। ये तुमने क्या किया? 2 महीने के बाद ये कसम खाकर ज्वाइन किया कि उस दिन के बाद जो करूंगा मैं ईमानदारी से करूंगा। और एक दिन रात 12 बजे विक्की किसी लड़की को लेकर आया है। ये तो पता ही नहीं था। मुझे माफ करिए सर, मैंने उसकी इजाजत नहीं दी, हम दोनों में तकरार भी बढ़ गई और उसने अपना चप्पल निकाला और मेरे मुंह पे मार दिया सर। इससे पहले कि मैं दोबारा उसको मारता, उसके दोस्तों ने पकड़ के मुझे सब खराब कर दिया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया, चाहे जो कुछ हो, विक्की की मौत मेरे ही हाथ होगी। मेरी कसम पूरा करने का दिन भी आया। एक दिन जब मैं हॉस्टल में राउंड पे था, तो मैंने देखा कि अरविंद और विक्की आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरविंद अकेला बाहर आया और विक्की नशे की हालत में पड़ा था। मेरी कसम पूरा करने का अच्छा मौका ये सोचकर मेरे पास में पड़ा एक डंडा उसे उठाकर सिर पे मारा उसके। अरे बाप रे, तो चाकू के बदले डंडा बता रहा है, अटका तो नहीं देगा? मैं सच कह रहा हूँ, विक्की का खून मैंने किया है। उस दिन रात को
मैं बिना शराब पिए चैन से सोया। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड योर ऑनर। ये जो खून हुआ है ये किसी धार वाले हथियार से हमला होने के कारण हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। अरे बाप रे, इसने तो पता लगा लिया। लेकिन ये कह रहा है कि इसने डंडे से मारकर उसका खून किया था। इससे ये पता चलता है कि इससे ऐसा कहने के लिए किसी ने कहा है और इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। ये झूठ बोल रहा है, ये इन्होंने खुद मान लिया है। गई भैंस पानी में। मैं कोर्ट से विनती करूंगा कि इसे जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाए। That's all your honor। अरे क्या मैंने गलत कहा? वो डंडा नहीं, चाकू, चाकू नहीं, डंडा, डंडा चाकू। क्या बात यह है कि चाकू डंडे से मारा? ये देखिए, ऐसे डंडा उठाया और मैंने ऐसे डंडे उसके सिर पे मारा। अरे चुप रहो, मैंने डंडे से ही मारा था उसको। अरे रे रे, दोबारा इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करने वाले गवाह पेश किए गए तो झूठी गवाही के आरोप में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, झूठी गवाही के आरोप में पुनीत को 15 दिन की हिरासत और 10,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा दी जाती है। हो गया काम। और इसके साथ ही साथ गवाही दिलवाकर इस केस की दिशा बदलने की कोशिश करने के लिए वकील गोविंद को ये अदालत सख्त हिदायत देती है और साथ ही अगले 6 महीने तक किसी भी केस के लिए पेश न होने का आदेश के लिए बार काउंसिल से सिफारिश करती है। कोर्ट इज अर्जेंट। सर, मैंने ही विक्की को मारा है। सर अब क्यों जा रहे हैं? सर, मैंने ही विक्की को मारा है। सर मेरी बात सुनिए, मैंने ही विक्की को मारा है, मैंने ही मारा। अरे बताओ ना, मैंने नहीं भी किया है ना तो भी इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो? कर, पहले ही मेरी फीस की वाट लगा चुका है। बाहर आ, देखता हूँ तुझे मैं। बाहर आ, हाँ बाहर। चुप रह, बोला ना तुझे। जान से मार देगा, कहीं सचमुच तो नहीं मार डालेगा? अरे बाप रे, ये धमकी दे रहा है या मार डालेगा? हे भगवान, क्या करूँ मैं? चलो दीदी, आ गए। जांच में अरविंद के लिए कोई अच्छी खबर? हमारी जांच से पता चला है कि अरविंद ने ये खून नहीं किया है, लेकिन अब तक इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। सब कुछ अरविंद के खिलाफ है, लेकिन हम जल्द से जल्द असली गुनहगार को पकड़ के अरविंद को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी गीता। अरविंद को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जहाँ खून हुआ था तुम वहाँ महेश के साथ गई थी, है ना? हाँ, गई तो थी, मैंने तो पहले ही बताया था। बस उसी के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए थी मुझे। तुम्हें जो भी पूछना है पूछो, मैं सब बताने को तैयार हूँ। ठीक है, कॉलेज से आते ही तुमने क्या किया? जैसे ही मुझे फोन आया तो मैंने महेश से। महेश, जाते वक्त रास्ते में मुझे ड्रॉप कर देंगे क्या? इस समय कहाँ जाना है? मेरे दोस्त अरविंद और विक्की के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे जाना है। इसका मतलब तुम और महेश फौरन वहाँ चले गए, उसके बाद? नहीं इंदु, मेरी बात सुनकर महेश ने कुछ सोचा और फिर 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। समय बीतता गया और मेरी टेंशन बढ़ गई। कमरे से महेश कपड़े बदल कर आया। क्या हो? मैं और महेश कार से हॉस्टल की तरफ गए। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अच्छा इंदु, मैं चलती हूँ। हाय सर। हाय। अकेले बैठे हैं, कंपनी के लिए कोई नहीं है क्या? कंपनी के लिए आप आ गए ना सर। सॉरी रमेश, मैं कहीं फंस गया था, लेट्स एंजॉय। जानता हूँ सर, आप हमारे साथ बैठकर क्यों पिएंगे? अरे ऐसी बात नहीं है, एक मीटिंग में जाना है इसीलिए। कुछ भी कहिए सर, आपने जैसा प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही सारा काम किया और दिल्ली चले गए और फंस गया वो बेचारा। रमेश, जो भी बात करनी है वो यहाँ पे नहीं, बाद में कहीं करेंगे। बेटा,
सर को जो भी चाहिए वो दे दो और साथ में आए इस चीज भी लाना। जाओ लेके आओ। अच्छा रमेश चलता हूँ, अपनी ड्रिंक एंजॉय करो। ठीक है सर, बाय। ओके। हमें पता है तुमने ही विकी का खून किया है, बस ये बताओ कि क्यों किया। कसम से मैंने नहीं किया मैडम। बोलो क्यों किया खून? वो तो बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। महेश ने ये सब किया। महेश मतलब गीता के मंगेतर ने? हाँ मैडम। ठीक है, कुर्सी पर जाकर बैठो। तुम महेश को कैसे जानते हो? मैं अक्सर उनके क्लब में जाता हूँ मैडम। एक दिन बुलाकर कहा कि अगर मैं उनके लिए एक काम कर दूंगा तो मैं उनकी तरह अमीर बन सकता हूँ मैडम। मैंने पैसे के लालच में उस काम के लिए हाँ कर दिया मैडम। उन्होंने कहा कि शहर के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर जाकर के जिन लोगों के नाम वो बताएंगे उन सब लोगों को जाकर मुझे सामान देना है मैडम। और मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा किया, शहर के सभी कॉलेजों में सबसे छिप करके सामान डिलीवर करने लगा मैडम। इसी वजह से विक्की और उसके सारे दोस्त मेरे दोस्त बन गए मैडम। और कुछ ही दिनों में मैं विक्की के साथ घूमने फिरने भी लगा। और एक दिन महेश ने अपने पब में। रमेश, इस लड़के को तुमने कहीं देखा है क्या? देखा है सर, ये झांसी कॉलेज का स्टूडेंट है। तुमने देखते ही कैसे पहचान लिया? सर, बुरे आदमी से ज्यादा अच्छे आदमी को परेशानी होती है, इसीलिए मैंने हर कॉलेज के अच्छे लड़कों की पूरी लिस्ट बना रखी है और उनमें भी सबसे अच्छा लड़का यही है। इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? बस ऐसे ही। इसकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक तो नहीं है सर। ओके, कॉलेज में से कोई दुश्मन? शायद तुम्हें कुछ पता हो। हाँ सर, उस कॉलेज के चेयरमैन और उसके दोस्तों को ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, इस कॉलेज का चेयरमैन कौन है? विक्की नाम है, पूर्व मंत्री कमल जी का बेटा है। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जरूर सर। हाय मिस्टर विकी। हाय। बैठ। हाय। हाय। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। हेलो। हाय। बैठ। एंजॉय द ड्रिंक, हैव फन। कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? नथिंग, कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि तुमने कॉलेज के चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, इसलिए तुम्हारी पूरी पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है। कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि पावर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई पोस्ट हो, पावर का मतलब डर पैदा करना है। इसीलिए हमारे आसपास के लोगों के मन में हमेशा डर बना रहना चाहिए, तभी हम खुद को स्टेबल कर सकते हैं। देखो, मैंने जो बोला वो बहुत सिंपल सी बात है, शायद तुम्हारी समझ में आ गई हो, है ना? कॉलेज में बहुत सी बातें होती हैं, पहले खुद प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसे सॉल्व कर लो, स्टूडेंट्स पे धाक जम जाएगी। अपने आप स्टूडेंट्स की नज़रों में तुम हीरो बन जाओगे और लोग तुमसे डरना भी शुरू कर देंगे। महेश की बात पर विक्की कॉलेज में स्टूडेंट्स के पास गया और उनको धरने पर बैठने के लिए उकसाया। बेचो मत, बेचो मत, शिक्षा को बेचो मत, 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 बेचो मत, बेचो मत, शिक्षा को बेचो मत। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी मांगों के बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा, समझ गए ना? चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रिंसिपल के पास जाके बात करता हूँ, अगर वो मान जाता है तो मैं जानबूझकर नहीं मानूंगा, वहीं पे रह के देरी करूंगा। लोग यहाँ पे परेशान होंगे,
मुझे अंदर देर हो रही होगी ये सोच के स्टूडेंट्स और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और उसी वक्त तुम बाहर आके बोलना कि प्रिंसिपल ने हमारी मांगे नहीं मानी, और तभी दंगे शुरू हो जाएंगे। तुम अपने गुंडों को अंदर बुला लेना, और बहुत ही सावधानी से अंदर बुलाना। सोडा बॉटल, पत्थर, लाठी ये सब चलाने के लिए कहना। स्टूडेंट्स एकजुट होंगे तो दंगे और बढ़ेंगे, कॉलेज बंद कर देंगे। उसके बाद मैं प्रिंसिपल से कह दूंगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी है, यही मेरा प्लान है। सब कुछ ध्यान से होना चाहिए, ओके? चलो जाओ। आओ विकी, बैठो। लेकिन अरविंद ने समस्या को आसानी से सुलझा दिया। विकी, छात्रों की मांग के बारे में अरविंद ने मुझे साफ साफ बताया। इतना ही नहीं, जो गरीब छात्र छात्राएं अपनी फीस को नहीं भर पा रहे हैं, उनकी भी फीस उसने अमीरों से कलेक्ट करके भर दी, और मैं इसके इस कार्य के लिए सराहना करता हूँ। वेल डन अरविंद। थैंक यू सर। सर, मुझे पता नहीं कि हर बार हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ने स्टडी लोन के लिए अप्लाई किया है सर, लेकिन बहुत से नियमों के कारण लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। सो अगर प्रिंसिपल साहब ही हमारे बिहाफ पर बैंक के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं रेडी कर दूंगा सर। अच्छी सोच है अरविंद। थैंक यू। बहुत अच्छी। ऐसा करने से हमारे कॉलेज का नाम और ऊंचा होगा। इस बारे में कॉलेज कमेटी से बात करके शिक्षा मंत्री को फाइल भिजवा देता हूँ। उस दिन से विक्की ने अरविंद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया, और इसी का फायदा उठाकर महेश ने विक्की की मदद से अरविंद को खत्म करने का मास्टर प्लान बनाया। एक्चुअली हमने प्लान तो अच्छा बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अरविंद कॉलेज का हीरो बन गया है, उसे सबक सिखाना होगा, उसका नाम खराब करना होगा, या फिर उसे कॉलेज से बाहर निकलवाना होगा, नहीं तो उसे जान से मारना होगा। प्लान इतनी जल्दी वर्कआउट हो जाएगा? एक छोटा सा खेल खेलते हैं। बोलिए महेश। एक काम करो, अपनी चेयरमैन की फोर्स से तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे रिजाइन करते ही अरविंद को उस पोस्ट के लिए खड़ा करेंगे, तब प्रचार के समय दंगे कराकर उसे खत्म कर देंगे। महेश की बात मानकर विक्की ने चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। कॉलेज के प्रबंधन ने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाया, और बिना इलेक्शन के ही छात्रों के सपोर्ट से अरविंद को उन लोगों ने चेयरमैन की पोस्ट सौंप दी। हमें पता चला तो अपने दोस्तों के साथ मैं विक्की के घर गया। हाय फ्रेंड्स, अंदर आओ। हमने ये सोच करके इस्तीफा दिया था कि चेयरमैन हमारे सिवा कौन बनेगा, लेकिन उन लोगों ने अरविंद को ही कॉलेज का चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इनके फैसले से क्या होगा, जरूरी ये है वो भी तो राजी होना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। सबने उस पे जोर डाला, इसलिए वो मान गया ना भाई। क्या मान गया? बहुत अच्छा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सिर्फ उसे ही नहीं, पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अरविंद के चेयरमैन बनने के बाद उसने कॉलेज के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से कॉलेज में उसकी इज्जत बढ़ती ही चली गई। अरविंद की पॉपुलैरिटी देखकर विक्की हर दिन और ज्यादा परेशान होता चला गया, और एक दिन वो बिल्कुल साइको जैसा हो गया। के लिए महेश ने जैसा सोचा था, जो चाहा था बिल्कुल वही हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद अरविंद ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों के बीच में जाकर सामग्री जमा की। जब हमें पता चला तो हमने और विक्की ने उस सामान को ले जाकर सड़क पर जला दिया। फिर हम हॉस्टल में मिले। चीयर्स। विक्की के साथ मिलकर हमने हॉस्टल में खूब जश्न मनाया। वो अपने आप को 30 मार खा समझता है ना, आने दो आज। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, आज तो मैं उसका खेल ही खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा मैं उसे। डर गया क्या?
उसका खेल खत्म करना है और फिर गला काटना है, थोड़ा थोड़ा करके पेट फाड़ दूंगा मैं उसका। खून देखा है कभी तूने? नहीं देखा? नहीं। हाथ दिखा, हाथ दिखा। खून देख के डर लग रहा है। आज उसके सर में बोतल घुसा दूंगा मैं। आज वो नहीं बचेगा यार। देखना वो हमें देखते ही डर जाएगा, बस दो चार थप्पड़ लगा के छोड़ देना। ऐसा मत कर यार, गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तुझे? हाँ डर लग रहा है। तो जा यहाँ से, जाना। डरपोक लोग मुझे नहीं चाहिए। जा, जाना। आ गया तू, तेरी। तभी वहाँ अरविंद आ गया और हम सब लोग वहाँ से चले गए। अरविंद को मारने के लिए वहाँ पर महेश आया, लेकिन गलती से उसने विक्की को ही मार दिया। उसके ऐसा करने से इल्जाम अरविंद पर ही आ गया, जिसकी वजह से महेश साफ बच गया। मैं बस इतना ही जानता हूँ और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके सिवा मेरा इस खून के साथ कोई संबंध नहीं है मैडम। मिस्टर कुमार, जल्दी अंदर आइए। जी बोलिए मैडम। इसे ले जाइए और इसके दोस्तों की एड्रेस ले लीजिए इससे। ओके मैडम, चल। मुझे सब कुछ सच जानना है, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना महेश, मुझे सब पता चल गया है। हमेशा की तरह गीता को पिकअप करने कॉलेज गया था। मुझे पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारी जायदाद गीता के नाम पे थी। मुझे लगा कि मुझे जो जायदाद मिलने वाली वो हाथ से निकल ना जाए, इसलिए मैंने अरविंद को ख़त्म करने का प्लान किया। उसी वक्त मुझसे विक्की टकरा गया। उसे नशे की आदत थी, इसलिए उसे अपनी तरफ मिलाने में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही दिनों में विक्की मेरी सारी बातें मानने लगा, तो मैंने विक्की का इस्तेमाल करके अरविंद को ख़त्म करने का प्लान बनाया। एक दिन जब मैं घर से बाहर निकल रहा था, तो गीता ने मुझसे हॉस्टल चलने के लिए कहा। जब मैं और गीता हॉस्टल पहुंचे, तो विक्की वहां मरा हुआ पड़ा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने लोगों को फोन करके पूछा। अरविंद विक्की का खून करके भाग रहा था, इसलिए अपने आदमी अरविंद को उठा लाए बॉस। ओके, तो फिर उसका अच्छी तरह से इलाज करके फिर छोड़ देना। ठीक है बॉस। वहां से बचकर अरविंद पता नहीं कैसे पुलिस के हाथों लग गया। ये बात सच है कि मैं अरविंद को मारना चाहता था, लेकिन सच ये भी है कि अरविंद ने ही विक्की का खून किया है। बस मुझे इतना ही पता है। मिस्टर कुमार अंदर आइए। बोलिए मैडम। इसे अंदर कीजिए और इसका पासपोर्ट बैंक सब ब्लॉक कर दीजिए। ओके मैडम। यस प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अब तक की जांच में सीबीसीआईडी को जो भी सबूत मिले हैं, सीबीसीआईडी और पुलिस ने वो सबूत कोर्ट में पेश किया और उससे साफ पता चलता है कि वो खून
अरविंद ने ही किया है जज साहब। इसकी दुश्मनी अपने साथ पढ़ने वाले छात्र के साथ थी, इस कारण इसने बदला लेने के लिए एक धारदार हथियार से बहुत ही बेरहमी और क्रूरता के साथ उसका कत्ल कर दिया। इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहब। जज साहब, इस तरह के हत्यारे अगर समाज में घूमते रहे तो समाज पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा और सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इस खूनी को सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, इसको कड़ी सजा दी जाए। ये मेरा आपके सामने विनम्र अनुरोध है जज साहब। इस केस से संबंधित सीबीआईडी के वकील अब अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। अब तक हमने जो जांच की है और जो सबूत मिले हैं उनके बिना पर ये साबित होता है कि ये मुजरिम है। लेकिन मानवता की नजरों से देखा जाए तो ये एक अच्छा छात्र है। कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य प्रोफेसरों के बयानों से ये साफ पता चलता है कि इस हत्या का मूल कारण आरके उर्फ महेश, इन्होंने ये हत्या की है। सारे सबूत इनके खिलाफ ही हैं। आरके ने ही इस हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वो कभी पकड़ में नहीं आया। और इतना ही नहीं, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे नशे के पदार्थ छात्रों को बेचता था और ये आदत छात्रों में फैलती गई और वो इसके अधीन होते गए और ना ही वो छात्र अपनी पढ़ाई कर पा रहे थे। इस डर से अरविंद और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं और कहीं शादी ना कर ले तो अब तक जिस जायदाद पर ये ऐश कर रहा है वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। इस डर से एक षड्यंत्र के तहत अरविंद को आर के उर्फ महेश ने अरविंद को इस खून के मामले में फंसाया है, ये साबित होता है। इतना ही नहीं, छात्रों को नशे का गुलाम बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और यही महेश इस मुकदमे का पहला दोषी भी है। मैं चाहता हूँ कि आर के उर्फ महेश को दोषी करार देकर इसे सजा दी जाए, जिससे समाज को अच्छा संदेश जाए। साथ ही अपने सह छात्रों के प्रति प्रेम रखने वाले और पढ़ाई में होनहार छात्र अरविंद, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें बरी किया जाए। मेरी कोर्ट से ये विनती है कि इन्हें न्याय दिया जाए ताकि ये अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सके। That's all, Your Honor. अब तक की हुई बहसों के आधार पर सीबीसीआईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में महेश और रमेश ने ही अरविंद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से उसका खून हो सके। और इसके साथ साथ ये केस नशीले पदार्थ के व्यापार मतलब नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत देशद्रोह के मामले में भी आता है, इसलिए इन्हें पुलिस हिरासत में रखकर इनके किन किन लोगों के साथ संबंध है ये पता लगाया जाए, ऐसा पुलिस महकमे को ये अदालत आदेश देती है। फैसला अगले महीने को होगा। यहाँ क्यों बैठी है? हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। इन सब का कारण महेश ही है, जानकर मुझे बहुत दुख होता है। अरविंद को कुछ भी नहीं होगा, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। तुम देखना, फैसला अरविंद के हक में ही होगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना मायूस मत हो। पहले कितनी खुश रहती थी ये लड़की, क्या हो गया इसे? भगवान हमेशा अच्छे लोगों को ही दुख देता है। चलो चलते हैं। कोर्ट में चाहे जो भी फैसला आए उससे मुझे मतलब नहीं, उसे वहीं खत्म कर देना। भाई मैं उसे मारूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मालिक, आप उस लौंडे को जैसा मारना चाहते थे ना, बस एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, वैसा ही मारूंगा उसको। मैं उसे सिर्फ मैं मारूंगा। तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, उसे उस जगह से बचकर निकलने मत देना। फिर भी अगर उसे कोई बचाने की कोशिश करे तो उसे भी खत्म कर देना, बाकी बाद में देख लेंगे। जरूरत पड़े तो कोर्ट को शमशान बना दो। जाओ, जाकर तैयारी करो। ठीक है भाई। ठीक है मालिक। मानव जीवन इंसानियत और जमीर पर आधारित होता है, लेकिन अदालत इस आधार पर फैसला नहीं सुना सकती। कानून सिर्फ सबूत और गवाह देखता है, और अब तक की जांच और सबूत से यह पता चलता है कि अरविंद ही खूनी है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुजरिम अरविंद को ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत। सर एक मिनट, आपको जो भी कहना है यहां आकर कहिए। सर वो खून इस लड़के ने नहीं,
मैंने किया है अपने हाथों से। साइलेंस, साइलेंस। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, प्रोसीड। आपका नाम क्या है? पूर्णा सर। क्या ये खून आपने ही किया है? हाँ सर। कैसे खून किया आपने? अपने इन्हीं हाथों से। इस कांपते हाथ से खून किया? हंसिए और हंसिए और हंसिए ना। हम जैसे लोगों को देखकर आपकी हंसी निर्दोष को सजा दिलाएगी। आज के युग में कोई भी काम करने के लिए धन के बल की या ताकत की जरूरत नहीं है, मनोबल ही काफी है। अगर मन में हिम्मत है तो मेरा यकीन करो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक बार ठान लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है माँ जी, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने विक्की का खून क्यों किया? बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस कर बेटी, संध्या कॉलेज में जाकर सबको बता दो मैं 2 दिन नहीं आऊंगी और हॉस्टल की सफाई भी करा दूं। दादी, मैं चाहे तो कॉलेज चली जाऊंगी, लेकिन मुझे हॉस्टल में नहीं जाना। ये क्या बेटी, एक ही दिन की तो बात है मेरी प्यारी बच्ची। हॉस्टल में बहुत गंदे गंदे लड़के हैं। चुपचाप अपना काम कर लेना, किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरी प्यारी बेटी जाएगी ना? आप कह रही हैं तो बस आज जाऊंगी, पर दोबारा कभी नहीं। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटी। काम से वापस आने के बाद संध्या, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा क्यों किया मेरी बेटी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिन हाथों से उसे पाला उन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। फिर एक दिन मैंने उसकी पेटी खोलकर देखी, तो हॉस्टल के लड़कों के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, ये सब जानते हुए भी तुमने अपनी पोती को वहां भेजा, जानती हो कितनी बड़ी गलती की? अगर तुम्हारी पोती के साथ ऐसा हुआ होता और तुम्हारी पोती जिंदा होती और वो खुद आकर ये सब कहती तो हम उस पर एक्शन ले सकते थे। इस कारण को बताकर हम उसे कॉलेज से निकाल सकते थे। बदनामी के डर से आत्महत्या करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। इस बात पर कौन विश्वास करेगा? अगर उस पर एक्शन लेते भी हैं तो जांच के नाम पर शव को निकालकर पोस्टमार्टम करेंगे और उल्टा वो लोग तुम पर केस करेंगे कि तुमने उसे जबरदस्ती देह व्यापार में धकेला, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे में तुम अपनी मरी हुई पोती की बेइज्जती करोगी और साथ ही साथ इस कॉलेज का नाम भी खराब होगा, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, समझी ना? इसीलिए जो हुआ सो हुआ, उसे भुलाकर बाकी की जिंदगी चैन से गुजारने की तुम कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारे पोती के लिए भी। मेरी बच्ची की जिंदगी खराब करने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और मुझे भेज दिया। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। मैं पुलिस स्टेशन गई। मेरी बात सुनिए, वो बहुत अमीर घर का लड़का है और उसके साथ गुंडे भी घूमते हैं, वो खुद भी गुंडा है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए ये सब भूल जाइए और अपने काम में लग जाइए। आप कहें तो मैं उससे बात करके आपको कुछ पैसे वैसे दिला सकता हूँ, वो ले लीजिए और खुश रहिए। मुझे वहाँ भी न्याय नहीं मिला।
हर दिन बस यही सोचती थी कि कैसे संध्या के गुनहगार से बदला लूं। ऐसे में एक दिन हॉस्टल का बाथरूम साफ करते हुए मेरी नजर अरविंद पर पड़ी। मैंने देखा कि अरविंद और विक्की झगड़ रहे थे। विक्की नशे में नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। अरविंद दरवाजा बंद करके चला गया। मुझे लगा यही वो सही समय है। जिस तरह से मेरी पोती की मौत सब लोगों के लिए एक पहेली बन के रह गई, उसी तरह इसकी मौत भी पहेली बन जाएगी। मैंने यही फैसला किया। मेरी पोती के साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने विक्की को मार डाला, लेकिन निर्दोष अरविंद को कानून ने गुनहगार करार दे दिया। ये गलत हुआ। मैं अपनी पोती को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो बच्ची गीता, वो भी मेरी पोती जैसी है। मेरे कारण इनकी जिंदगी खराब नहीं हो, यही सोचकर मैंने निश्चय किया और यहाँ चली आई। आप मुझे पकड़ लीजिए। इस दुनिया में गलती करके कोई नहीं बच सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा और भगवान से डरने वाला भी नहीं बच सकता। इस बात का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं यही मानती हूँ जज साहब, हम जैसे गरीबों और मजलूमों की आप जैसे लोगों को ही मदद करनी होगी। अगर आप ही मदद नहीं करेंगे तो अन्याय करने वाले राजनेताओं से और रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी अफसरों से आखिर हम क्या उम्मीद करेंगे? आपके कानून में मेरे लिए जो भी सजा हो वो मुझे जरूर दीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। भगवान के लिए उन बच्चों को जाने दीजिए। हमारे देश का इतिहास महाराज मनु और ऐसे न्यायप्रिय राजाओं से भरा है। ये अदालत न्याय का पालन करेगी और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने गुनाहों को कबूल करके गवाही देने के लिए मैं पूर्णा को बधाई देता हूँ। पूर्णा के दिए बयान को सुनकर ये पता चलता है कि ये खून उन्होंने ही किया है। इस खून के लिए उन्हें न्याय रूप से 12 साल की सजा होनी चाहिए। फिर भी उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर और साथ ही उन्हें जो मानसिक तनाव हुआ उसके लिए जीवन भर सरकारी वृद्धाश्रम में रखकर उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, ऐसा सरकार निर्देश देती है। साथ ही दोषी माने जाने वाले अरविंद को ये कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और साथ ही पूर्णा को न्याय दिलाने में सहायक रहे कॉलेज के प्रिंसिपल और सरकारी अधिकारी को काम से निकालने के लिए मैं सरकार से सिफारिश करता हूँ। कोर्ट ने ये फैसला लेने के लिए सारे सबूतों और गवाहों का बारीकी से निरीक्षण किया है, इसलिए ये अदालत ये फैसला सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गीता गीता